किसी समय ना उस आके ना क्रिश्चन स्कूल च पढ़ती सी पर उन्होंने प्रभाव थले आके ना ये क्रिश्चन बन जा रही सी। ईसा मसीह का थोड़ा जा उसी पर इस बीबी ने जड़ी बिल्कुल जबान तो बोल नहीं सकती ते कन्ना तो इन्हें सुनता नहीं पर इन्हें आप च फ्रेंड होने के नाते इन्हें समझाया कि सुन बोल हो भी नहीं सकती सुन बोल ये भी नहीं सकती पर इन्हें जिम्मेवारी समझी कि आखिरकार इन्हें समझावा भी दूजे पासे ना जाए। बिल्कुल इन्हें समझाया गुरु ग्रंथ साहब की उस वास्ते समझाया भी साडा गुरु है जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब है। जदों इन्हां बीबियां नूं समझाया गया कि जगतार सिंह हारा दे पिता जी है ना इन्हां ने बड़ी खुशी महसूस करी है बिल्कुल बिल्कुल जी इन्हां दी माता जी ने कोई इन्हां नूं इशारे राही समझाया भी वह जिहड़े जेल च बैठे हैं जिन्हां वास्ते मोर्चा लग्या ना उन्हां दे पिता जी है इन्हां ने बहुत खुशी महसूस करी है। कि बंदी सिंह का मोर्चा चल रहा मोहाली बॉर्डर से जिवें बापू जी ने दसिया कि आखिरकार यह पूरा परिवार हैगा जिदे विच ये दो कुड़ियां ने गियां जां कई कुड़ियां ने तां इन्हां नूं सुनदा नहीं बोल नहीं सकदे ते नाल ही जे कहा जावे आ वीर ने दो जिहड़े इन्हां दे हसबैंड नेगे ते इह जिहड़े परिवार दोनों कह सकते हैं भी अलग अलग ने पर व्यथा दोनों की इको हैगी। बाकी बापू जी गल करते हैं उन्होंने नाल कि आखिर किस तरह के नाल लोग तुसीं देखो मोर्चे पा रहे हैं बापू जी देखा जाए थोड़े दस दो आए कितों ने यह। देखो ये बीबी चंडीगढ़ तो 41 सेक्टर तो है इन्हों की बेटी है इन्हों की फ्रेंड है ये किसी समय ना उस आके ना क्रिश्चन स्कूल च पढ़ती सी पर उन्होंने प्रभाव थले आके ना ये क्रिश्चन बन जा रही सी ईसा मसीह का थोड़ा जा उसी पर इस बीबी ने जड़ी बिल्कुल जबान तो बोल नहीं सकती ते कन्ना तो इन्हें सुनता नहीं पर इन्हें आप च फ्रेंड होने के नाते इन्हें समझाया कि सुन बोल वह भी नहीं सकती सुन बोल ये भी नहीं सकती पर इन्हें जिम्मेवारी समझी कि आखिरकार इन्हें समझावा भी दूजे पासे ना जाए। बिल्कुल इन्हें समझाया गुरु ग्रंथ साहब की उस वास्ते समझाया भी साडा गुरु है जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब है ये उसनू छड्ड के इस पासे आई है। देखो केड्डी बड़ी है फिर अज ये कौमी इंसाफ मोर्चे शामिल होने आए हैं किन्नी इन्हां नूं जदों इन्हां बीबियां नूं समझाया गया कि जगतार सिंह हारा दे पिता जी है ना इन्हां ने बड़ी खुशी महसूस करी है बिल्कुल बिल्कुल जी इन्हां दी माता जी ने कोई इन्हां नूं इशारे राही समझाया भी वह जिहड़े जेल च बैठे हैं जिन्हां वास्ते मोर्चा लग्या ना उन्हां दे पिता जी है इन्हां ने बहुत खुशी महसूस करी है ते इन्हां ने कहा भी असीं हर रोज इत्थे आके हाजरी लवाउणी है। बहुत वड्डी गल आ बापू जी देखिए कि जिहड़े तुहानूं लगदा भी हजे भी लोक नहीं पहुंचदे पर उन्हां वास्ते गुड़ियां मिसाल ने। देखो एक उन्हां नूं सिख्या लैणी चाहीदी है इन्हां तों देखो जिहड़े एक अपाज हुंदे होए भी इस मोर्चे च अपनी हाजरी लवा रहे हैं अपना फर्ज समझदे होए हादा नारा मारन आए हैं पर सानूं उह साबत जिहड़े असीं उस वाले हैं सारा कुछ हुंदिया होया भी हर एक तरह की सहूलत हुंदे भी साडा फर्ज मनदा भी एक कौम दे वास्ते जिहड़ा इंसाफ लैण लई मोर्चा लग्गिया उस हाजरी लवाउणा इन्हां तों सिख्या लै के ही अपना जरूरी फर्ज समझना चाहीदा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत वड्डी गल है कि आखिरकार जे देखा जाए हालांकि ये बोल नहीं सकदियां कुड़ियां नहीं तां तुहानूं गलबात सुणाउंदे पर जिवें बापू जी ने दस्सिया कि आखिरकार जिमें जिमें दे नाल ये कुड़ी है जिहड़ी की कहिंदे कहिंदे एक तरह का धर्म परिवर्तन करन लगी सी भैण ने इहनां दे सिस्टर अच्छा वैसे फ्रेंड ने गए तो दूजे पासे पहले तो उन्हें आपकी भाषा समझाया उदू बाद अपने आप कही है कि बहुत वड्डी गल हुंदी है जदों ध्यान थोड़ा किसी पासे लग गया उधरों तुसीं दुबारे वह हालांकि है तो तुसीं उत्थे हो पर तुहानूं भटके हुए नूं दुबारे उस राह ते लिआउणा ते नाल नाल बंदी सिंघां दी रिहाई दे वास्ते जिवें हुण बापू जी नूं आके इन्हां अज मुलाकात करी है मिले ने ते उरे इह गल वी कही है भी जिन्नी सेवा होगी असीं करांगे ये चीज़ां जे कहा जावे दिखाउण दे विच मकसद भी इक्को ही चीज़ दा इह हुंदा है कि आखिरकार किवें कोई जिहदे कोल जो भी रस्ता हुंदा कदे भी ये नहीं हुंदा कि किसी कोल बहुता पैसा हैगा कदे ये नहीं हुंदा कि किसी कोल बहुता पैसा नहीं हैगा कारण कोई भी हो सकता पर उहदे नाल नाल इह है भी हादा नारा कौन मारदा हादा नारा इस लई कहा गया है कि उहदे पिछे कोई किसे तरह का कोई मुल नहीं लगता बल्कि थोड़ी इच्छा शक्ति हुंदी है ते थोड़ी आपदी जिम्मेदारियां ने जिहड़ा कि ये भैणां निभा रहियां ने। वीडियो जर्नलिस्ट अमन दास मिसिंग रोजाना स्पोक्समैन टीवी मोहाली।